आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डिजाइन एंड ऑटोमेटा। डिजाइन एंड ऑटोमेटा या हाउ टू डिजाइन ऑटोमेटा, हाउ टू डिजाइन ऑटोमेटा। ओके, सो आप सभी को आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है, थैंक यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास चार तरह के ऑटोमेटा है। एक है फाइनाइट ऑटोमेटा, जस्ट अ सेकेंड, एफ ए जिसे कहते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास पुश डाउन ऑटोमेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, और लास्ट आता है आपके पास ट्यूरिंग मशीन। जब लास्ट क्लास में हमने देखा लैंग्वेज से किसी स्पेसिफिक टाइप की जब हम ग्रामर बना रहे थे, सो अलग अलग टाइप की ग्रामर बन रही थी, पर ग्रामर बनाने के लिए तरीका सिंपल था, ठीक है ना, एक सिंपल लॉजिक से आप चल रहे। बट ऑटोमेटा हर जगह अलग अलग बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ लैंग्वेज L1 a की पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑटोमेटा। डेफिनेशन हम देख चुके हैं। अगर ऑटोमेटा की डेफिनेशन अगर हम देखें तो m इक्वल्स टू कैपिटल Q कॉमा सिग्मा, जस्ट अ सेकंड, जी हेलो, एक भेज दिया मैंने अमेज़न का, दे रहा हूँ एक मिनट। ओके, सो जब भी कोई ऑटोमेटा बनाने जाते हैं हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई करना होता है कि किस लैंग्वेज के लिए कौन सा ऑटोमेटा बनेगा। सो एक ऑटोमेटा में आपके पास क्यू है, सिग्मा है, आपका क्यू नॉट है, कैपिटल एफ है और डेल है, राइट। कैपिटल क्यू डिफाइन करता है आपका नंबर ऑफ स्टेट्स सेट ऑफ स्टेट्स। अब सेट ऑफ स्टेट्स मतलब है कि आपका जो ऑटोमेटा है वो किस स्टेट में होगा। सिग्मा डिफाइन करता है सेट ऑफ टर्मिनल्स,
क्यू नॉट डिफाइन करता है इनिशियल स्टेट, कैपिटल एफ डिफाइन करता है सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, एंड डेल डिफाइन करता है ट्रांजिशन फंक्शन। क्लास के बाद मिलेंगे, इसको बंद कर दीजिए, क्लास के बाद लगेगा, 12 बजे मिलेगा। ट्रांजिशन फंक्शन, राइट। नाउ लेट से ये आपके पास L1 एक लैंग्वेज है। सो L1 लैंग्वेज को देख करके कुछ कुछ चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो चीज़ें ऑटोमेटा के लिए चेंज नहीं होने वाली है, बदलने वाली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल M of L1 विल हैव आपके पास सिग्मा जो है दैट इज फिक्स ए कैपिटल सॉरी क्यू नॉट आपका फिक्स है, क्या रहेगा ठीक है। अब आपका बचता है कैपिटल क्यू, कैपिटल एफ कॉमा डेल। डेल हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है। अगर हमें स्टेट टू स्टेट ट्रांजिशन अगर समझ में आता है, देन वी आर एबल टू डिजाइन दिस ऑटोमेटा एंड विल सब्सिक्वेंटली आइडेंटिफाई व्हाट इज क्यू एंड व्हाट इज एफ। तो देखते हैं डेल कैसे बनेगा। सो अगर मैं लैंग्वेज एल की बात करता हूँ तो मेरे पास इसमें स्ट्रिंग कैसे आने वाली है, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए एंड सो ऑन, इट्स अ इनफाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट। इसका मतलब मेरी मशीन जो है, जो मेरा फाइनाइट ऑटोमेटा है, जिसको हम एक्सेप्टर भी बोलते हैं, फाइनाइट फाइनाइट एक्सेप्टर की बात करते हैं, राइट। फाइनाइट एक्सेप्टर मींस लैंग्वेज में जो भी स्ट्रिंग है दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई मशीन एम है तो उसकी दो स्टेट हुई, वन इज एक्सेप्टिंग स्टेट, अनदर इज नॉन एक्सेप्टिंग। इज दिस क्लियर कि एक जो मशीन है उसकी दो स्टेट हो गई, वन इज एक्सेप्टिंग अनदर इज नॉन एक्सेप्टिंग। नाउ अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से कहूं तो क्यू जो है सेट ऑफ स्टेट्स है, इट मींस क्यू इंक्लूड एक्सेप्टिंग स्टेट्स एज वेल एज नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स। एफ इज ऑल्सो सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, या फिर इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट्स। इट मींस एक्सेप्टिंग स्टेट और नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। इज दिस क्लियर? हेलो, यस सर, राइट। अगर एक्सेप्टिंग स्टेट और नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जो भी एक्सेप्टिंग स्टेट है उसको डबल सर्कल के साथ यूज करते हैं, ठीक है, कि ये एक्सेप्टिंग स्टेट है तो डबल सर्कल वाली है,
सिंगल स्टेट है तो नॉन एक्सेप्टिंग है. सिमिलरली दोनों ही स्टेट चाहे एक्सेप्टिंग हो या नॉन एक्सेप्टिंग हो, इनिशियल स्टेट हो सकती है. ऐसा भी हो सकता है कि कोई नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट है ये इनिशियल हो, कोई एक्सेप्टिंग स्टेट है ये भी इनिशियल स्टेट हो सकती है. तो जब हम इनिशियल स्टेट को डिफाइन करते हैं तो उसके आगे सिंगल एरो लगाते हैं, इसको बोलते हैं हम इनिशियल स्टेट. यहां तक कोई कंफ्यूजन? आई होप यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट? नाउ लेट्स मूव फर्दर. अगर लैंग्वेज में सिंगल ए एज ए स्ट्रिंग है तो ए एक्सेप्टेबल है ना? हेलो, ए इज एक्सेप्टेबल. इट मींस अगर इनिशियली हमारा ऑटोमेटा किसी क्यू नॉट स्टेट पर है इनिशियली, और ये ऑटोमेटा अगर स्ट्रिंग ए को रीड करता है तो ये किसी दूसरी स्टेट पर जाता है, लेट से क्यू वन पर. इसकी स्टेट बदल जाती है क्योंकि ए जो है वो लैंग्वेज एल वन में एक्सेप्टेबल है, इसीलिए जो मशीन बनेगी लैंग्वेज ए एल वन के लिए उसमें भी ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए. इट मींस जो क्यू वन स्टेट होगी दैट मस्ट बी एक्सेप्टिंग स्टेट. ये पॉइंट कितने लोगों को समझ में आया? रिपीट करना. मैं कह रहा हूं क्यू नॉट जो है मशीन की इनिशियल स्टेट है, मैंने एरो लगा दिया मतलब इनिशियल हो गई, राइट? अब इनिशियल स्टेट पे मशीन ने स्ट्रिंग ए रीड की, क्योंकि ए जो है एल वन लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल है, सो मशीन ए सिंबल को रीड करके किसी एक स्टेट पर जाएगी. मशीन ने इनपुट ए रिसीव किया, अब वो पहले जैसे सेटअप में तो नहीं है. ए इनपुट रीड करने के बाद वो उसका स्टेट बदल गया, स्टेट बदल के लेट से क्यू वन क्यू नॉट स्टेट वो थी जिसमें इनिशियली वो मशीन थी, और ए रीड करने के बाद वो क्यू वन स्टेट में चली गई. अगर ए एक्सेप्टेबल है तो क्यू वन एक्सेप्टिंग स्टेट होगा. ये बात समझ में आई? यस सर. राइट नाउ हमारे पास और बहुत सारी स्टेट्स यहां हो सकती हैं, 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है, लेकिन जब हम ऑटोमेटा बनाते हैं ठीक है, तो हमें ऑटोमेटा किसके लिए बनाना है? जो स्टेट्स जो स्ट्रिंग्स हमें एक्सेप्ट करवानी है या रिकग्नाइज करानी है. जो रिकग्नाइज नहीं होनी चाहिए या एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए उसके लिए तो बनानी नहीं है. जो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है उसी के लिए बनानी है. ये बात तो क्लियर है या नहीं? यस सर. राइट. अब सिंगल ए है एक्सेप्ट हो गया, अगर क्यू वन स्टेट पर फिर से ऑटोमेटा ए रीड करता है तो किसी स्टेट क्यू टू पर जाता है. अब ये डबल ए भी एक्सेप्टेबल है तो ये क्यू टू भी एक्सेप्टिंग स्टेट होनी चाहिए, राइट? क्यू टू के बाद ये ए रीड करता है तो ये स्टेट किसी क्यू थ्री पर जाता है, और ट्रिपल ए भी एक्सेप्टेबल है तो ये क्यू थ्री भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, राइट? यस और नो? हेलो, एक्सेप्टेबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये नहीं आया समझ में. मैं कह रहा हूं अगर आप Q नॉट से A इनपुट पे गए तो Q1 पहुंचे, सिंगल A मिला, ऐसे बनाते रुक जाओ. लेट मी रीराइट दिस, रीडिजाइन. अगर Q नॉट मेरी इनिशियल स्टेट है और मैंने डबल A रीड किया और मैं एक एक स्टेट एक एक सिंबल रीड करता हूं, मेरी एक एक स्टेट बदलती जाती है,
फाइनली दो ए रीड करने के बाद मैं क्यू टू स्टेट पर आ गया, ठीक है। जैसे ही मैं क्यू टू स्टेट पर आया तो अब डबल ए मेरा एक्सेप्टेबल है, हेलो, तो क्यू टू मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट होना चाहिए ना, यस सर, राइट। सिमिलरली अगर मैं क्यू नॉट स्टेट से सिंगल ए पर क्यू वन स्टेट पर गया, फिर सिंगल ए पर क्यू टू स्टेट पर गया, फिर सिंगल ए पर क्यू थ्री स्टेट पर गया और ट्रिपल ए मैंने रीड किया, तो क्यू थ्री भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यस और नो। अब इसमें ये मेरा फर्स्ट हो गया जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल ए के लिए काम करेगा, राइट। सिंगल ए स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहा है, ये मेरा है जो डबल ए को डिफाइन कर रहा है, ये मेरा है जो कि 1 2 3, ये सिंगल ए के लिए हो गया, ये डबल ए के लिए हो गया, ये ट्रिपल ए के लिए हो गया। अब आइडियली मेरी लैंग्वेज तो L1 एक ही है, और लैंग्वेज अगर L1 एक है तो उसके लिए ऑटोमेटा भी एक ही बनेगा। ऑटोमेटा जब एक बनेगा, इट मींस जो स्टेट के ट्रांजिशन है वो हर स्ट्रिंग के लिए एक ही होने चाहिए। तो अगर मैं इन तीनों को मर्ज करता हूं और सिंगल एक बनाता हूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। सिर्फ और सिर्फ तीन स्टेट के लिए बना रहा हूं मैं फिलहाल, ए डबल ए और ट्रिपल ए के लिए, ठीक है ना। मैं ये मान रहा हूं कि मेरे पास कोई लैंग्वेज एल है जिसमें ए है, डबल ए है और ट्रिपल ए है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, क्यू नॉट से मैं क्यू वन गया सिंगल ए पे। अब सिंगल ए एक्सेप्टेबल है, राइट। अगर डबल ए आ जाता है तो मैं क्यू टू पर चला जाऊंगा, ये भी एक्सेप्टेबल है, और ट्रिपल ए आता है तो मैं क्यू थ्री पर चला जाऊंगा, ये भी एक्सेप्टेबल। अब यहां पर मेरे पास सिंगल ऑटोमेटा है किसके लिए, इस एल के लिए, फॉर एल। ये बात आई समझ में, हेलो, ये आया क्या समझ में? यस सर, राइट। लेकिन जो मेरी लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज ना फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। ये एल में और जो मैंने एल वन लिया है उसमें एक फर्क है। ए डबल ए ट्रिपल ए फोर टाइम्स ए एंड सो ऑन, क्योंकि ये किससे बन रही है, ये बन रही है एल इक्वल एल वन इक्वल्स टू ए की पावर एन, वेर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब मेरी लैंग्वेज जो है वो इनफाइनाइट लैंग्वेज है, माई लैंग्वेज इज इनफाइनाइट लैंग्वेज। तो अगर मैं इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए बनाने जाऊंगा तो बहुत सारी स्टेट आगे बढ़ती चली जाएंगी, यस और नो। हेलो, क्या कह रहे हो? टू एन मेंशन कर देंगे ना स्टेट्स जब बनाएंगे। क्या मेंशन करेंगे, दोबारा बोलो। बोलो ना, सही बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे बताओ ना। बाद भी हो सकता है ना, आगे भी, आगे भी हो सकता है। तो हमें इसमें कहीं ना कहीं एक लूप स्ट्रक्चर या जनरेट करना पड़ेगा, यस और नो। जैसे जब हम इसके लिए ग्रामर बनाते थे तो क्या करते थे, एस इंप्लाइज ए एंड एस इंप्लाइज ए एस, जो आगे वाली स्ट्रिंग है उसको एस के टर्म में डिफाइन कर देते थे, राइट, जो ऑटोमेटिकली एक रिकर्जन आपका जनरेट करता था, एक लूप आपका जनरेट करता था। सिमिलरली हम यहां क्या करेंगे, मिनिमम स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट होगी वो क्या है, सिंगल ए है। सो क्यू नॉट से आप गए क्यू वन पर,
क्यू नॉट से आप गए क्यू वन पर और ये आपकी एक्सेप्टिंग स्टेट हो गई ए के लिए। अगर फर्दर एक भी ए कॉन्कैटिनेट होता है तो वो एक्सेप्टेबल है ना। इस ए में सिंगल ए में फर्दर एक भी ए अगर कॉन्कैटिनेट होता है तो एक्सेप्टेबल है। सो व्हाट आई हैव डन इज आई पुट अ लूप ऑफ ए विच स्टार्ट्स फ्रॉम क्यू वन टू क्यू वन एंड एंड विथ क्यू वन। ये कितने लोगों को समझ में आया है? जो ये लूप वाला साइन आपने बनाया तो ये मेंशन मतलब आपने समझाने के लिए बनाया है ये करना ही ऐसे? ये ऐसे ही होगा। इट इज द रिप्रेजेंटेशन, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांजिशन। एक बार दोबारा बता दो। इसको ऐसे देखो, इससे पहले हम क्या कर रहे थे यहां लेफ्ट साइड में देखो, सिंगल ए के लिए तो हम क्यू नॉट से क्यू वन चले गए, डबल ए था तो क्यू वन क्यू नॉट से क्यू वन, क्यू वन से Q2 चले गए, ट्रिपल ए था तो वन और वन करके हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये क्यों कर रहे थे हम? क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स थी वो फाइनाइट थी और फाइनाइट में एक लिमिट पे जाके हम इसको फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन जो लैंग्वेज L1 है ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है और इनफाइनाइट लैंग्वेज में आपके पास नंबर ऑफ स्टेट तो फिक्स है नहीं, ये तो कितनी भी हो सकती है। तो आपको कहीं ना कहीं कोई लूप स्ट्रक्चर क्रिएट करके उसको नंबर ऑफ स्टेट्स को फ्रीज तो करना ही होगा। सो दिस इज हाउ वी फ्रोजन इट, वी क्रिएटेड अ लूप। इस लूप का मतलब क्या हुआ, इसको अब मैं डिफाइन करता हूं इस पूरे ऑटोमेटा को। Let me define this as del q naught comma a implies equal to q1 del q1 comma a equals to q1। अगर मैं टेबल के फॉर्म में डिफाइन करूं then states, दरवाजा बंद करके जाना, इनपुट इक्वल्स टू ए, मैं क्यू नॉट पर हूं, ये मेरी इनिशियल स्टेट है, ये क्यू वन है और ये मेरी फाइनल स्टेट है। क्यू नॉट से ए इनपुट पे मैं क्यू वन पर जा रहा हूं और क्यू वन से ए इनपुट पे मैं क्यू वन पर जा रहा हूं। नाउ दिस इज माय ट्रांजिशन। ये मेरी टेबल हो गई, ये मेरा फंक्शन हो गया, ये मेरा डायग्राम हो गया। ट्रांजिशन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इनमें से किसी भी एक की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड द मोमेंट यू हैव ट्रांजिशन, फिर आप ऑटोमेटा को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। लुक एट दिस, एम ऑफ एल वन विल बी, सबसे पहले क्या आता है, कैपिटल क्यू सेट ऑफ स्टेट्स। आपके पास दो ही स्टेट है क्यू नॉट कॉमा क्यू वन, उसके बाद अल्फाबेट सिंगल ए, इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट Q1 और ट्रांजिशन के लिए डेल, और ये ट्रांजिशन डेल आपने इससे डिफाइन कर दी। अब ट्रांजिशन आपके पास अवेलेबल था तो आप ये पूरा लिख पाए, नहीं तो आप इसको नहीं लिख पाते। सो दिस इज व्हाट ऑटोमेटा इज, इट इज अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मशीन। कितने लोगों को समझ में आया? आया क्या समझ में? यस सर। राइट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल।
लेट्स टेक एल टू इक्वल्स टू ए की पावर एन बी की सॉरी ए की पावर टू एन वेर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. लेट्स चेक व्हाट कैन बी द स्ट्रिंग्स. ए नल नल डबल ए चाड़ी फिर ए राइट दिस विल बी दी. इसका मतलब अगेन हमें मशीन बनानी है एम फॉर राइट. हाँ बोलो बोलो. जब एन जीरो होगा तो ए की पावर जीरो हो जाएगा. हाँ बिल्कुल ठीक है. तो वो वन होगा. अच्छा मैथ में तो ऐसे वन होता है, इसमें नल होगा. अरे भाई हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं ना. तो नल. हाँ ठीक है सर. ठीक है ना. सो अब आप बताओ मिनिमम आपका नल आएगा. नल का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी स्ट्रिंग अगर नहीं है देन इट मस्ट बी एक्सेप्टेबल. हु सेड इनिशियल विल बी एक्सेप्टेबल. हु सेड इनिशियल एक्सेप्टेबल होगी, ये किसने कहा? कोई गलत नहीं कहा, ठीक कहा है. आई जस्ट वांट टू नो. नल भी ले रहा है. राइट आयुष, दिस इज द परफेक्ट आंसर. Because the moment you start, that initial point is also acceptable. So, if we start from Q naught, then this Q naught is initial state. And when you are at initial state, it means you are not reading any input. So, you have resulting null string, and that null string is acceptable. So, initial state is Q naught, and this is accepting state. Right? Right or not? Yes or no? Yes, sir. Right. अब ऑटोमेटा में नेक्स्ट चीज आती है. जब भी आप मूव करेंगे एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो आप एक ही सिंबल के साथ मूव कर सकते हैं. दिस इज द ब्यूटी ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा कि आप एक एक इनपुट पे स्टेट बदलते हैं. So, अगर मैं Q0 से A इनपुट पे लेट से Q1 स्टेट पे जाता हूं, अब Q1 स्टेट जो है उस पे मेरा रिजल्ट है कि मुझे A अल्फाबेट रिसीव हो रहा है, बट A तो एक्सेप्टेबल नहीं है. स्टेट A तो एक्सेप्टेबल नहीं है. देयरफॉर Q1 स्टेट विल बी नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट. एनी कंफ्यूजन टू इट? मैं ये कह रहा हूं आप Q0 से Q1 स्टेट पर गए और Q1 स्टेट पे जाकर के आपको स्मॉल a मिला. जब स्मॉल a मिला तो आपकी स्ट्रिंग रिसीव हुई स्मॉल a. तो स्मॉल a एक्सेप्टेबल है क्या? स्मॉल a एक्सेप्टेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में नहीं दिया है. यस सर. लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरी स्टेट Q2 पर जाते हो विद अनदर A, देन इट शुड बी एक्सेप्टेबल. यस और नो? यस सर. अब आपको फिर से यहां लूप क्रिएट करना है. क्यों? अगेन दिस इज अ इनफाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स. इससे पहले हम लूप क्रिएट कर रहे थे जिसमें सिंगल ए रिसीव हो रहा था एक लूप में. अगर आप इसको एग्जांपल को देखेंगे पुराने वाले को, यहां पर जो लूप है Q1 से Q1 का ही है. तो जैसे ही आप एक स्टेट से चल के दूसरी स्टेट पे आ रहे हो तो आपको सिंगल ए मिल रहा है. और यहां की रिक्वायरमेंट भी सिंगल ए ही थी क्योंकि रिपीटेडली एक ए ऐड हो रहा था. लेकिन सेकंड केस में यहां पर आपको डबल ए ऐड करना है क्योंकि लूप में दो ए ऐड है. तो ये कैसे करेंगे? Q1 पे जोड़ देंगे ए से. बिल्कुल, क्योंकि जो स्टेट तो एक ही मूव करेंगी
लेकिन आपको ऐसे नॉन फाइनल पे जुड़ना होगा जहां से नेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आपका फाइनल आए. सो अगर आप Q2 से Q1 पर जाते हैं ए अल्फाबेट के साथ, तो जैसे ही ऑड नंबर आया तो Q1 पे पहुंच गए, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है. लेकिन जैसे ही Q2 पे जाओगे तो आपका तुरंत एक्सेप्टेबल स्टेट बन जाएगी. क्या आया, क्या समझ में? इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं. ये आया क्या समझ में? यस सर. इसको, इस लैंग्वेज को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं. लैंग्वेज हैविंग इवन नंबर ऑफ एज, और आप इवन कैलकुलेट करते हैं उसका क्या तरीका है? व्हेन द रिमाइंडर इज जीरो. क्लियर है ये बात? यस और नो? अरे तो बता दो, यस और नो? यस सर. राइट, सो आई एम टेकिंग द सेकेंड वन इज मोर अप्रोप्रिएट. सो मेरी मशीन क्या बनी? मशीन की डेफिनेशन क्या हुई? स्टेट मेरे पास दो है, Q0, Q1. अल्फाबेट सेट है मेरे पास ए. इनिशियल स्टेट मेरी Q0 है. फाइनल स्टेट का सेट मेरा Q0 है और डेल ट्रांजिशन है, और वो डेल ट्रांजिशन ये. अब इससे आप फंक्शन लिखना चाहे फंक्शन भी लिख सकते हैं, टेबल बनाना चाहे टेबल भी बना सकते हैं. राइट, अगर मुझे इसको ऑड करना हो तो L3 ए की पावर n, वेयर n इज n ऑड नंबर. सो मेरे पास लैंग्वेज में क्या आएगा? सिंगल ए, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए, और ये इसमें जाएगा 5 times A एंड सो ऑन. तो मेरा ऑटोमेटा कैसा बनेगा? गूगल से ऊपर वाले में से Q1 को फाइनल कर दीजिए और Q0 और Q2 में से फाइनल वाला हटा दीजिए. सिंपल है, सिंपल लॉजिक. सो Q0 से आप Q1 गए, सो दिस इज A. Q1 से आप Q2 गए, सॉरी जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट क्रिएटेड फाइनल Q1 and it is final, so A. Logical? Yes, sir. Right? So, sahi ye bhi hai. This is also right. This is also right. Jo maine bataya hai abhi, ये भी सही है. जो आयुष बता रहा था वो भी सही है. जब आप मशीन, इस लॉजिकल मशीन को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने जाते हैं, देन वी डू मिनिमाइजेशन ऑफ ऑटोमेटा, जिसमें अननेसेसरी स्टेप्स जो हैं उनको हम रिड्यूस कर देते हैं. जितनी स्टेप्स हम रिड्यूस कर देते हैं उतनी फंक्शनिंग ऑटोमेटा की फास्ट हो जाती है. इज दिस क्लियर? Is this clear? Hello? Yes, sir. Right. Let's move further. अभी तक हम सिंगल अल्फाबेट पे चल रहे हैं. So now let's take L. L3 तक तो हो ही गया. Now let's take L4. A की पावर N, B की पावर M, where N is greater than equal to 1, M is greater than equal to 1. कौन बताएगा?
कौन बताएगा? सर इनिशियल क्यू नॉट ले लीजिए, उस पे ए इनपुट दिए तो क्यू वन पे गए, ठीक है, क्यू वन पे बी इनपुट दिए तो क्यू टू पे गए, ठीक है, को फाइनल कर दीजिए, ठीक है, क्यू वन पे ए का लूप लग जाएगा, क्यू परफेक्ट। टू पे बी का लूप। ऐसा ही। अब इसमें मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है, दिस इज द परफेक्ट। इसको बोलते हैं हम फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा आपके दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं हम डीएफए, एक को कहते हैं हम एनएफए या एनडीएफए। डीएफए स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनिस्टिक एफ ए, एन एफ ए का मतलब हो गया नॉन डिटर्मिनिस्टिक एफ ए। कोई बताएगा डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का क्या डिफरेंस है? मैं बताता हूं, डिटर्मिनिज्म का, डिटर्मिनिस्टिक हाँ सर, नॉन डिटर्मिनिस्टिक में एम्बिग्युटी आती है। राइट राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द एम्बिग्युटी इन दिस केस। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी टेबल बनाता हूँ, क्यू नॉट स्टेट है, क्यू वन स्टेट है, क्यू टू स्टेट है। मैं इसको एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, तो लेट मी यूज डिफरेंट कलर, एक्सप्लेनेशन। राइट, सो लेट्स से आई हैव अ क्यू नॉट स्टेट, क्यू वन स्टेट एंड क्यू टू स्टेट। सिंबल है मेरे पास ए और बी एज अ इनपुट, ये स्टेट्स है मेरे पास, ये इनिशियल स्टेट है और ये मेरी फाइनल स्टेट है। क्यू नॉट से ए इनपुट पे आप क्यू वन पर जा रहे हो, क्यू नॉट से बी इनपुट कहीं नहीं है, क्यू वन से ए इनपुट आप क्यू वन पर जा रहे हो, क्यू वन से बी इनपुट आप क्यू टू पर जा रहे हो, क्यू टू से ए इनपुट कहीं नहीं है, क्यू टू से बी इनपुट क्यू टू है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हमने ऑटोमेटा बनाया एक्सेप्टिंग स्टेट के लिए। अगर इस ऑटोमेटा को लेट से कोई स्टेट मिली, कोई स्ट्रिंग मिली बी ए ए बी, राइट, सो व्हाट विल हैपन, क्यू नॉट बी रीड करेगा तो क्या करेगा? उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है, उसको कुछ भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपने बी इनपुट के लिए कोई एक्शन यहां पर डिफाइन ही नहीं किया है, या जैसे कहना चाहिए कि बी इनपुट के बाद ऑटोमेटा किस स्टेट में जाएगा ये डिफाइन नहीं किया। लॉजिकली आपको पता है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बट डायग्राम में कहीं डिफाइन हमने नहीं किया है। इज दिस राइट? यस सर। राइट, नाउ दिस इज द केस ऑफ एम्बिग्युटी या नॉन डिटर्मिनिज्म। या इसको और दूसरा एग्जांपल ले लो, अगर मैं क्यू नॉट से ए क्यू वन है, यहीं पर क्यू टू भी लिख देता हूं, विच सिंपली मीन्स कि क्यू नॉट से मैंने एक रास्ता ए इनपुट के साथ यहां बना दिया। राइट, सो क्यू नॉट पे अगर स्ट्रिंग ए ए बी सी अगर ऐसा कुछ आता है, तो क्यू नॉट पे
मशीन के लिए कंफ्यूजन है कि वो किस स्टेट पे जाएगा, Q1 पे जाएगा या Q2 पे जाएगा, राइट? यस सर. देयर इज अगेन एम्बिग्यूटी, देयर इज अगेन एम्बिग्यूटी. सो इस तरह की जो एम्बिग्यूटी है अगर ऑटोमेटा में, उसको बोलते हैं NDFA या NFA, और जहां कोई एम्बिग्यूटी नहीं है उसको बोलते हैं DFA. अब आप सोचेंगे कि काम का तो DFA है, फिर NFA होता क्यों है, राइट? ऑब्वियसली कोई मशीन अगर आप बनाओगे तो उसमें एम्बिग्यूटी तो होनी नहीं चाहिए, यस और नो? यस और नो? यस सर. इसके लिए क्या करते हैं, जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसको आसानी से हम NDFA बनाते हैं या NFA बनाते हैं उसका, और उस NFA को बाद में DFA में कन्वर्ट करते हैं. अगर मैं इस करंट वाले को, जो करंट ऑटोमेटा हमने बनाया हुआ है, इसको अगर मैं DFA में कन्वर्ट करूं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक डी स्टेट, बोले तो डेड स्टेट मैंने क्रिएट कर दी. और ये डी स्टेट क्या करेगी, क्यू नॉट से बी ट्रांजिशन नहीं था ना, सो क्यू नॉट से बी ट्रांजिशन पे आप डी पर चले गए. और क्यू ट्रैप, हाँ ट्रैप, इसी को बोलते हैं क्या? ट्रैप नहीं, इसको डेड स्टेट बोलते हैं, डेड स्टेट. और Q2 पर भी Q1 A ट्रांजिशन नहीं है, तो एक ट्रांजिशन मैंने Q2 से A का इस पर ले लिया, और A, B का एक लूप मैंने इस पे लगा दिया. अब अगर ऑटोमेटा में रन करते हुए अगर आप एक बार D स्टेट पर आ गए, डेड स्टेट पे आ गए, तो ये एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, कोई भी स्ट्रिंग हो ये इससे बाहर नहीं आएगा, राइट और नॉट? यस और नो? यस सर. राइट. अब अगर इसकी टेबल अब बनाएंगे, अगर हम लेट्स से क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू एंड डी, अब हमारे पास कोई एम्बिग्यूटी नहीं आएगी, ए बी. सो यहां क्या हुआ, क्यू नॉट ए क्यू वन, क्यू नॉट बी डी, क्यू वन ए क्यू वन, क्यू वन बी क्यू टू, क्यू टू ए डी, क्यू टू बी क्यू टू, और डी ए डी डी बी डी. डी मैंने नाम दे दिया है, आप क्यू थ्री ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट बट इट मस्ट रिप्रेजेंट द फीचर्स ऑफ द डेड स्टेट, राइट? और यहीं से एक और एनालॉजी निकलती है कि डिटर्मिनिज्म में हर स्टेट से, हर अल्फाबेट के लिए एक ही ट्रांजिशन होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा. ये आया समझ में? यस सर. ये क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यस और नो? हेलो, ये क्लियर है ना? यस सर. चलो, सो लेट्स एंड दिस क्लास हेयर ओनली. ये टॉपिक आज खत्म होता है. नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस और करेंगे, एंड देन वी विल मूव फर्दर. ओके? यस सर. ओके देन, आई एम एंडिंग इट हियर. ओके, बाय बाय.